दोस्तों आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में। इसके लिए मैंने तीन बुक्स का सहारा लिया है, रिच डैड पुअर डैड, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द ई मिथ रिविजिटेड। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले लोगों में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे लाके दें और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए और वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में रहता था जहां पर 6 या 7 घर थे। वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करे गए थे, काफी खूबसूरत। उन सब घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था और वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर के थे। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे सिर्फ अंकल और आंटी थे और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे एज अ प्रोफेसर और इसीलिए उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा था वो बहुत ज्यादा रिच हैं। उनकी कार से लेके इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। मैं उनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी पैसों के रिगार्डिंग। कोई भी एक्सेस खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। तो इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत कंजूस है, कार भी नॉर्मल सी रखी है, एक ही फ्लोर बनाया है, इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं पैसे खर्चते ही नहीं। थोड़े महीनों के बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया था तो एक बार मुझे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है पीजी के लिए तो हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी है, आप रेकमेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा ओके अंकल। लेकिन मुझे ये बात अजीब लगी कि उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोबारा कॉल कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका पीजी काफी कॉस्टली है। तो उन्होंने कहा कि वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उनकी दोबारा कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें यहाँ पे भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्राइस भी ज्यादा था और वो वहां नहीं गए। जब मैंने ये पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड की थ्योरी के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वन, सिर्फ वहाँ पे एक बिजनेसमैन का ही घर था जिसका एक फ्लोर बना हुआ था और 1-1.5 साल के बाद वही घर उस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था। उन्होंने 3 फ्लोर्स बना दिए थे और वो बहुत ही सुंदर बनाया था। सेकंड, अंकल ने होंडा सिटी रखी हुई थी लेकिन वो ट्रेवल स्कूटर में करते थे। हो सकता है वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हों, लेकिन मैं ये जानता था कि बाहर से बेशक वो बहुत अमीर दिख रहे हों, अंदर से उन्हें पैसों की कमी थी जिसकी वजह से उनके और उनके वाइफ के बीच में बहस भी होती थी। और दोस्तों पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। सैलरी 15,000 होगी लेकिन आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेंगे। 10-10 हज़ार की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज को एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तभी उसके लिए पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ किम कियोसाकी की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा इनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट्स थी जो इन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे। फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। क्योंकि ये जानते थे अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव करे हुए पैसों से ही बाकी इन्वेस्टमेंट्स करी और फाइनली मिलियनेयर बन गए। दोस्तों हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब ऑब्वियसली सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली। लेकिन ये फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी जिंदगी भर इंप्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले आपको टीवी में एडवर्टाइज करके ये नहीं बोलेंगे कि आप उनसे फरारी खरीद लो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो अपना टाइम टेलीविजन में वेस्ट नहीं करते।
ज्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देख के अपने को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कहीं मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आके आराम से सीरियल्स देखते हैं। नई चीजें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहनी है। नई चीजें सीखना उनका पैशन है, ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो एक बिलियनर है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपनी वेबसाइट gatesnotes.com में डालते हैं। ये एक रिच मेंटेलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम्स में इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये मेंटालिटी होती है, भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूंगा। अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में ग्रो करेगी, जिसका मतलब ये है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने के माइंडसेट में। हम हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी जिंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसीलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन की ऑफिस के टेक्निकल काम वो आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पे काम करते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल है, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। इसके दो फायदे हैं, एक तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन एक पुअर मेंटालिटी वाले लोग इन लोगों को देख के बहुत चिढ़ते हैं, यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के तो ये काम नहीं करते। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, उनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे काम को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठ के दोबारा से टीवी ही देखो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और अगर आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं, और इसीलिए कामों को आउटसोर्स कर दोगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन लोगों को बताया कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों $100 को कैसे कैसे बांटेंगे। कंडीशन नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जितने डॉलर्स उन दोनों में बांटे हैं क्या वो उसे मंजूर है या नहीं। अगर वो उसे मंजूर है तो दोनों को उतने उतने डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसे वो चीज मंजूर नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न देखा, अगर पहला आदमी $100 को $50-$50 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था और दोनों को $50-$50 मिल जाते थे। अगर वो 60-40 करके बांटता था तो भी दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अगर पहला आदमी उसे 70-30 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था और दोनों को कुछ नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन इमोशंस का टिपिंग पॉइंट 70-30 था। रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों में रिपीट किया, लेकिन ये नंबर 70-30 के आसपास ही आ रहा था। उसके बाद उन्हें लगा शायद $100 डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कम है, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज गए और उन्हें भी सेम ही ऑफर दिया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स सेम रहे। अगर आप दूसरे आदमी होते तो आपका भी यही डिसीजन होता कि पहले आदमी ने अपने को 70 क्यों दिए और मुझे सिर्फ $30, इसलिए मैं भी उसे 70 क्यों लेने दूं। और शायद आप इमोशनली ठीक भी होते, लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था, आपको सिर्फ हाँ बोलनी थी और आपको वो डॉलर्स मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग इस डील को ना ही बोलते हैं, और ये पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहां पे जेलेसी, चिढ़, कॉम्पिटिशन जैसे इमोशंस हैं। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपना दिमाग यूज करके कोई ना कोई ऐसा मेथड निकाल देते हैं जिससे दोनों का फायदा हो सके। वो विन विन में बिलीव करते हैं, विन लूज या लूज लूज वाली डील्स वो नहीं करते। इवन विन विन सिचुएशन में अगर उन्हें कम परसेंटेज भी मिल रही हो फिर भी वो उस डील को कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हजारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट कर देंगे और अपने लिए और बाकियों के लिए भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा देंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स कवर करें। सबसे पहला था फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे सोर्सेज क्रिएट करें जिससे आपको पैसे आए और उसके बाद ही कंफर्टेबल और शो वाली चीजें खरीदें। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करें। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% पहले सेव करें, चाहे आप पे जितना मर्जी प्रेशर आ रहा हो। ये मान के चलें कि आपकी सैलरी ही कम है और बाद में उस 20% का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना सीखें। थर्ड हमने किया था आउटसोर्स। अगर आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको टाइम की जरूरत है तो आप अपने काम आउटसोर्स कर सकते हैं। इन चीजों में कंजूसी ना दिखाएं। फोर्थ, कंटिन्यूसली अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहें, नया नया मटेरियल्स पढ़ते रहें। दोस्तों अगर आप फ्री में बुक समरीज पढ़ना चाहते हैं तो हमने गीगल ऐप बनाई है, वो ऐप आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली आता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरे को मेरे से ज्यादा मिल गया, आप ये सोचो कि आपको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, उसके कंपैरेटिवली अभी आपको कुछ मिल रहा है। और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ऐसी सिचुएशंस बहुत क्रिएट कर दोगे। लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना सीखो क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।